In this topic, we are going to learn something very interesting, and that is. हाउ टू बिल्ड अ फॉरम ऑन वर्ड प्रेस आपको ये जान के शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे कि मेरा जो पहला एक स्टार्टअप uh, या एक वेंचर था ऑनलाइन दैट वॉज एक्चुअली अ फॉरम और ये था ऑलमोस्ट 2005 में तो आज से कोई आप कह सकते हैं 12-13 साल पहले आई यूज वर्ड प्रेस टू क्रिएट अ फॉरम एंड अ वेबसाइट through which people used to share open source software. So मेरा पहला एक जो start up या venture था वो ये था. और इसी तरह I want to tell you in this topic how you can use forums effectively. But more importantly, forum आप WordPress पे कैसे बना सकते हैं. सबसे पहला तो question शायद आपके जो ज़िन्दगी में आएगा वो ये है कि forum आखिर होता क्या है वट इज़ अ फॉरम मैन इज अ सोशल एनिमल पीपल लाइक टू टॉक पीपल लाइक योर कंज्यूमर्स लाइक योर जो आपके यूजर्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर दे लाइक टू टॉक टू पीपल ऑन द इंटरनेट और इसीलिए देर आर सम फॉर्म्स विच आर वेरी पॉपुलर फॉरम्स लाइक रेडिट फॉरम्स लाइक डिग सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉरम्स की जो इंटरनेट पर एग्जिस्ट करते हैं

सो पीपल कोड टॉक टू इच अदर सो पीपल कुड शेयर आइडियाज़ और इसकी एक बड़ी सिंपल एग्जाम्पल है फेसबुक आप और मैं सारे यूज़ करते हैं फेसबुक आप लोगों की प्रोफाइल्स हैं आप रोज जाके लाइक करते हैं आप रोज जाके कॉमेंट करते हैं सो so इसी तरह से काफ़ी साल पहले ऑलमोस्ट टेन ईयर्स बैक फॉरम्स यूज टू बी दोशल नेटवर्कस फॉरम्स पर लोग आके बातें किया करते थे फॉरम्स पर आके लोग अपने आइडियाज शेयर किया करते थे फॉरम्स पे लोग आके एक दूसरे से इंटरैक्ट किया करते थे दैट्स वाई फॉरम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बुलेटिन बोर्ड्स या बोर्ड्स जिसको सिंपल अल्फाज में कहते हैं सो क्वेश्चन ये आता है कि आपको फॉरम की क्यों जरूरत पड़ सकती है वाई वुड यू नीड टू क्रिएट अ फॉरम ऑन योर वर्ड प्रेस वेबसाइट ये तो आप पे डिपेंड करता है ये है, आपको देखना है कि क्यों आपने आखिर एक फॉरम का इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट पे बट एट द एंड ऑफ़ द डे योर फोकस शुड बी योर यूजर्स आप जो भी कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे दैट शुड क्रिएट वैल्यू फॉर द यूजर्स हु आर कमिंग टू योर वेबसाइट कॉन्टेंट इज किंग बट यूजर्स आर ऑल्सो किंग और ये जो सारा कॉन्टेंट आप बना रहे हैं दिस इज एक्चुअली फॉर योर यूजर्स दिस इज एक्चुअली फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू योर वेबसाइट तो आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट आखिर क्या है वट आर द टॉपिक्स दैट योर वेबसाइट फोकसज ऑन चलें कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं एग्जाम्पल्स लाइक लेट से यू क्रिएटिंग अ ट्रैवल वेबसाइट भाई आपकी लेट से एक ट्रैवल वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे लोग आके एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर कर सकें आप चाहते हैं कि लोग आके एक दूसरे से नए ट्रिप्स की डिटेल शेयर कर सकें लोग नए नए स्पॉट्स के बारे में पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में शेयर कर सके इसको शेयर करने के लिए आपको एक फॉरम की फंक्शनैलिटी चाहिए होगी बट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फॉरम एंड अ ब्लॉग भाई ब्लॉग पे कॉन्टेंट इज द सेंटर पीस और नीचे फिर उसके कॉमेंट्स होते हैं बट ऑन अ फॉरम द कन्वर्सेशन इट आर द सेंटर पीस तो ये तो एक एग्जाम्पल होगी फॉरम की या ट्रैवल फॉरम इज समथिंग दैट यू कैन क्रिएट विद बर्ड प्रेस बल्कि मैं आपको चैलेंज करूंगा कि यूजिंग दिस डी जी स्किल्स डॉट पी के फॉरम यू लर्न एंड यू क्रिएट योर ओन ट्रेवल वेबसाइट बट लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ वट अदर वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड आप एक रेस्टोरेंट रिव्यू वेबसाइट खोल सकते हैं पाकिस्तान में लोगों को खाने पीने का बड़ा शौक़ है और ख़ास तौर पर आप में से वो लोग जो लाहौर से बिलोंग करते हैं उनको तो कुछ शायद ज़्यादा ही शौक है बिकॉज़ लाहौर इज़ नोन एज द सिटी ऑफ फूड सो क्या हम एक ऐसा फॉरम क्रिएट कर सकते हैं जिस फॉरम पे लोग आके एक दूसरे से नई नई रेसिपीज़ नए नए रेस्टोरेंट्स के रिव्यू शेयर कर सकते हैं सो दैट इज़ समथिंग दैट फॉरम कैन बी यूज फॉर इसी तरह देर आर अदर एग्ज़ाम्पल्स लाइक टेक्नोलॉजी वेबसाइट्स विच आर यूजिंग फॉरम्स सो पीपल कैन शेयर एक दूसरे से अपने इश्यूज़ पीपल कैन शेयर एक दूसरे से अपने आइडियाज़ एंड पीपल कैन शेयर फिक्स टू अ पर्टिकुलर टेक प्रॉब्लम सो दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल वेर अ फॉरम कैन भी यूज तो आपसे मैं कहूँगा आप देखें कि फॉरम कैसे यूज कर सकते हैं फॉरम का बेनिफिट क्या है हाउ कैन फॉरम एक्चुअली एड वैल्यू टू योर वेबसाइट एंड बाय द शेयर डिमांड ऑफ एडिंग वैल्यू टू योर वेबसाइट कैसे एक फॉरम आपके यूजर्स के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर सकता है वट इज द नेम ऑफ द प्लग इन थ्रू विच यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ फॉरम अ वर्ड प्रेस फॉरम द नेम ऑफ द प्लग इन इज

फॉर्म विद प्रेस आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि क्यों मैं आपको बार बार गूगल पे सर्च कराना सिखा रहा हूँ जबकि आपको ऑलरेडी आता है उसकी रीजन ये है कि काफ़ी अरसे में आ, और काफ़ी एक आ, मैंने चीज़ देखी है पाकिस्तान में कि यंग लोग सही तरह से गूगल पे क्वेरीज नहीं लिखते विच इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट आंसर्स तो आप सही क्वेरीज लिखेंगे तो आपको सही आंसर्स मिलेंगे तो अब देखिए मैंने क्रिएट अ फॉर्म विद वर्ड लिखा है तो आई हैव अ बंच ऑफ रिजल्ट्स एंड नाउ आई कैन एक्चुअली आई इधर गो टू वन ऑफ़ द लिंक्स सो ये मुझे एक डब्ल्यू पी बिगिनर का लिंक मिला है मैं इस लिंक को क्लिक करूँगा और वैन आई गो इन टू इट तो ये मुझे प्लग इन्स का बता रहा है कि मैं फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकता हूँ सो इनस्टेड ऑफ़ दिस आई जस्ट गो टू गूगल डायरेक्टली वंस अगेन एंड आई एल सर्च फॉर बी बी प्रेस बी बी प्रेस मैंने सर्च किया आई एल गो ऑन द बी बी प्रेस वेबसाइट और बी प्रेस की वेबसाइट पे नाउ यू सी दैट इट सेज फॉरम्स मेड द वर्ड प्रेस वे बी प्रेस इज़ अ फॉरम सॉफ्टवेयर विद अ ट्विस्ट फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑफ वर्ड प्रेस सो द ग्रेट थिंग अबाउट बी प्रेस इज के इट इज़ क्रिएटेड बाय द क्रिएटर्स ऑफ वर्ल्ड प्रेस सो दिस इज़ द परफेक्ट फॉरम प्लग जो आप यूज कर सकते हैं और बी बी प्रेस को अगर आपने देखना है इफ़ यू वॉन्ट टू गिव गेट लाइक अ लाइव रिव्यू ऑफ वट बीबी प्रेस एक्चुअली लुक्स लाइक सो इट लुक्स प्रटी मच लाइक दिस आपके पास एक फॉरम होगा जिस पे आप एक टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं और नीचे उस पर लोग आके कर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो बी प्रेस की वेबसाइट पे ही आप देख सकते हैं उन्होंने बी प्रेस इंस्टॉल किया हुआ है और इसकी बेतहाशा और फीचर्स हैं यहाँ से आप इट्स सिंपल टू सेटअप बड़े आसान से वन क्लिक से आप इसको सेटअप कर सकते हैं इट्स फुली इंटीग्रेटेड टू योर वर्ड डैशबोर्ड एडमिन तो ऑटोमेटिकली जो यूज़र्स आपके आके रजिस्टर करेंगे वर्ड की साइट पर they will already have an account on bbpress as well so it's very integrated with wordpress it has a single installation and it has the capability of giving you multi-site forums which means के you can divide your site into different sections the so उसकी कुछ features हैं ये आप इसको simple तरीके से download भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें और साथ ही साथ आप इसके कुछ external plugins हैं bbpress के जिनको आप detail में यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह डब्ल्यू पी यूजर अवाटार है बेसिक अवाटार्ज हैं स्टाइल पैक्स हैं ये भी कुछ प्लग इन्स हैं बी बी प्रेस के जो आप देख सकते हैं फिर कुछ थीम्स हैं बी बी प्रेस हैज़ इट्स ओन थीम्स एज वेल तो ये थीम्स हैं कुछ जिनको आप देख सकते हैं इसकी एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन है अगर आपको याद हो हमने वर्ल्ड प्रेस कोडेक्स की बात की थी तो बी बी प्रेस का एक अपना कोडेक्स का पूरा सेक्शन है जिसमें आप पूरा इसका मैनुअल पढ़ सकते हैं देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करता है देन यू कैन सी द सपोर्ट सेक्शन सपोर्ट सेक्शन ऑब्बियसली इज़ पावर्ड बाय बीबी बी प्रेस इट्ल्फ तो आपने सिंपल इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है कि आपने अपनी वेबसाइट पे जाना है और आपने प्लग um, इंस के सेक्शन में यू आर गोइंग टू सर्च फॉर बी प्रेस और मैं आपको ये जल्दी से एक इसका रिव्यू दिखा भी देता हूँ तो हमारी साइट जो है उस पर हम लॉग इन करेंगे एंड आई शो यू बी बी प्रेस कैसा एग्जैक्टली exactly लगता है तो वी आर गोइंग टू क्विकली लॉग इन और लॉग इन करते साथ ही आई एम गोइंग टू गो टू द प्लग इन सेक्शन और वहाँ पे आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एड न्यू एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन बीबी प्रेस सो ये देखें बीबी प्रेस अब आ गया आई कैन जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ एंड दैट्स हाउ इजी इट हैज़ टू इंस्टॉल बीबी प्रेस सो इसको प्लीज़ देखें यूज़ करें कैसे आप फॉरम ऐड कर सकते अपनी वेबसाइट में और इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट में बड़े ईजिली एक फॉर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं थैंक यू